जब से मतलब इंटरनेट आया है, मतलब कुछ चीज़ें तो समझ लो इंटरनेट इन लोगों को बर्बाद कर दिया। मतलब इंटरनेट के आने की वजह से कुछ चीज़ें मतलब लुप्त तो हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें लुप्त तो हो रही हैं, और कुछ चीज़ें मतलब एकदम पूरी तरह से लुप्त तो हो जाएंगी, उसको कोई जानेगा ही नहीं इस इंटरनेट की वजह से। तो भाई वो सब क्या चीज़ें हैं और इंटरनेट के आने की वजह से ये सब चीज़ें मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो रही हैं और हो भी जाएंगी पूरी तरह से। सबसे पहले बात है उसमें आता है भाई, जो मोबाइल के जो रिचार्ज करने वाले हैं या जो गाने भरने वाले हैं, मोबाइल की दुकान वाले, इन लोगों की बिजनेस और इन लोगों का भाई मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू पहले था भाई। क्या वैल्यू मोबाइल रिचार्ज करना या मोबाइल का दुकान, या फिर यार एक एक गाने मतलब 5-5 या 10-10 रुपये देने पड़ते थे आपको, 50 या 20-20 सॉन्ग को मतलब अपने मोबाइल में भरवाने के लिए, 2-3 मूवी के लिए भाई 5 रुपये 10 रुपये ये लोग चार्ज करते थे। मतलब यार कितने ज़्यादा डिमांड ये चीज़ थे, मुझे नहीं पता आप लोग ने कभी भरवाया कि नहीं, बट मैं तो भरवाया कि मतलब यार 5 रुपये दे दो 10 रुपये दे दो तो मैं आपके मोबाइल में 2 मूवी डाल दूंगा 50 सॉन्ग डाल दूंगा, ऐसे ऐसे इन लोग का था। बट यार आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई भी मूवी जाके दुकान में भरवाता होगा या सॉन्ग भरवाता होगा, सब लोग डाउनलोड करके देखते हैं, यूट्यूब पर डायरेक्ट मूवी या सॉन्ग देखते हैं भाई। रिचार्ज वगैरह भी सब लोग अब अपना अपना खुद करने लगे, इन लोग के पास काफ़ी कम लोग जाते हैं, अभी भी जाते हैं बट काफ़ी कम। तो जो मोबाइल के रिचार्ज के जो वैल्यू था मतलब दुकान वालों का, काफ़ी ज़्यादा ये लोग लूटते थे और काफ़ी इन लोग का वैल्यू कम हो रहा है और एक ख़त्म ही हो जाएगा भाई। कौन जाएगा मोबाइल मतलब मोबाइल का रिचार्ज कराने या गाना भरवाने दुकान पे, ये है सबसे पहली बात। और दूसरी बात भाई टीवी, जहाँ पे भाई अब तक अगर रिपोर्ट देखा जाए तो 20 से 25 से 30%, इतना मतलब 25 से 30% आप मान लो अब यहाँ पे टीवी लोग कम देख रहे हैं कंपेयर किया जाए आज से कुछ सालों पहले, जब इंटरनेट का उतना बूम नहीं था, अब यहाँ पे लोग कम टीवी देखते हैं। आप ही बताओ अब पहले से ज़्यादा टीवी देख कम देखते हो कि ज़्यादा देखते हो? भाई कुछ भी देखना है, न्यूज़ पढ़ना है, कोई भी मूवी देखना है या कुछ भी, सब मोबाइल से, सब कुछ मोबाइल से करते लोग, उतना लोग टीवी कम देखते हैं। और आने वाले 5 साल 10 साल में और भी इसका वैल्यू कम होने वाला है, कम लोग देखेंगे इस इंटरनेट के वजह से, ठीक है। और तीसरी चीज़ सिनेमा हॉल थिएटर्स, इन लोग का भी वैल्यू कम हो गया है, काफ़ी सिनेमा हॉल्स काफ़ी थिएटर बंद हो रहे हैं सिर्फ इसी की वजह से। सब भाई OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार इतने सारे आ गए हैं भाई, वहाँ पे घर बैठे लोग आराम से देख रहे हैं, कोई जाने का कष्ट ही नहीं कर रहा है। बट जो VIP लेवल के है, जो मतलब 3D दिखाते हैं या जो काफ़ी VIP सिनेमा हॉल्स हैं, वही एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही एग्जिस्ट करेंगे भी, उतने ज़्यादा नहीं बट पहले जैसे मतलब हर गली गली में आपको देखने को मिलते थे, अब नहीं, अब बहुत बंद हो गए हैं। मेरे सामने यार मतलब मैंने देखा हमारे इधर सिटी में बहुत ज़्यादा थे बट अब वहाँ पे गिने चुने 2-3 बचे हुए हैं। और भाई तीसरी चीज़ है जो स्कैम है, मतलब ऑफलाइन जो स्कैम होता था ये कम हो गया। जैसे मतलब यार जितने भी ऑनलाइन सब आजकल देख रहे हो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब कुछ है ऑनलाइन रजिस्टर है, कोई भी आसानी से चेक कर सकता है कि ये वैलिड है कि नहीं है। बट यार पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, कोई ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट है चाहे वो फर्जी है क्या है कोई उतना नहीं देखता था और उसको मतलब आसानी से वैलिड करके ले लेता था। जैसे मैं मुझे एक याद आ रहा है सबसे मतलब पॉपुलर हुआ था कि मतलब बस में ट्रैवल लोग करते थे तो वहाँ पे लोग फर्जी बनवा के ऐसे ले लेते थे और उसमें फ़ोटो निकाल के और नाम लगा के दूसरा लगा देते थे और पास बनवा लेते थे और वहाँ पे दिखा देते भाई देखो ये मेरा पास है किसी और के पास पे ये करके चलते थे। बट आज के टाइम में भाई एक कार्ड प्रॉपर एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड को कंडक्टर लेता है अपने मशीन में लगाता है और चेक करता है कि इसकी वैलिडिटी है कि नहीं, ये सच में किसका है, काफ़ी कुछ चेक किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रॉड होते थे जो क्योंकि ऑनलाइन चीज़ था नहीं, लोग चेक नहीं करते थे कि ये सही है कि नहीं, तो उसी चीज़ को वैलिड मान लिया जाता था। बट ये चीज़ें भी अब बहुत ख़त्म हो रही हैं और ये पहले बहुत ज़्यादा होती थी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग मतलब लेवल पर ये होती थी। और चौथा बात है यहाँ पर भाई सोशल मीडिया, इसके आने के बाद और इंटरनेट आने के बाद भाई मतलब जो बॉलीवुड में कहो या कोई भी किसी को अपना टैलेंट दिखाना है, स्टार बनना है लोगों के बीच में, तो भाई ये चीज़ भी अब बहुत आसान हो गई है, किसी को भी उतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास टैलेंट है तो भाई इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग आके अपना टैलेंट दिखा देते हैं। अब ऐसा तो नहीं है अगर आशीष चंचलानी या भुवन बाम यहाँ पे आ जाए अगर या कोई भी बॉलीवुड स्टार आ जाए तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई नहीं पूछेगा और इनको पूछेगा। मुझे तो लग रहा है कि भाई इन बॉलीवुड स्टार से भी ज़्यादा आशीष चंचलानी या बीबीकी वाइंस के पास लोग ज़्यादा मिलने के लिए जाएंगे। ये है सोशल मीडिया का पावर। तो अगर अगर किसी के पास टैलेंट है, लोगों को दुनिया
दुनिया को दिखाना चाहता है तो या बॉलीवुड में ही जाना चाहता है, तो भाई अब उतना स्ट्रगल लोगों को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है जैसे पहले करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे भाई कोई यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि भाई स्टेशन पे गाना गाते गाते बॉलीवुड में पहुँच जा रहे हैं लोग, तो ये है कि अब उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा इंटरनेट के वजह से ही भाई फेमस आराम से हो जा रहे हैं। और बहुत सारे पाँचवा चीज़ है कि भाई बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके मिल गए हैं जिससे हम नॉलेज के दुनिया में भी बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। मतलब अगर हमें कोई भी नॉलेज या कोई भी टॉपिक के बारे में सीखना है तो हमें अपने टीचर से या जो उस बारे में जानता होगा उसी से पूछना पड़ता था, बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट के अब आने की वजह से, गूगल के आने की वजह से ऐसे ऐसे चीज़ें हमको जो भी चाहिए, जो भी डाउट है, जिस भी टॉपिक पर हमें इंटरेस्ट है, जो भी पढ़ना है, हम बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल गए वहाँ पर जाके हम किसी भी बड़े बड़े टीचर से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से का लेक्चर या हम उनके आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उनके राय को सुन सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे रास्ते हैं। तो आज के टाइम में जो भी चाहिए वो आराम से हमको इंटरनेट पे मिल जा रहा है, हमको उतना पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तो भाई टीचर का कोई पढ़ता नहीं है और घर पे आके ऑनलाइन वीडियो देख के पढ़ते हैं आजकल, तो ये हाल हो गया और मैं ऐसा खुद करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं इंटरनेट के आने की वजह से, इन सब चीज़ों का डिमांड अब मतलब बहुत कम हो रहा है इंटरनेट के आने की वजह से। तो आपको क्या लगता है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरनेट के आने की वजह से इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, लुप्त तो हो रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।